अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अयान बर्ड्स अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और आज वीडियो में आपको हम दिखाएंगे सीड क्लीनर मशीन के बारे में। तो आज हम सीड क्लीनर मशीन लेके आए थे संडे वाले दिन, मतलब कल लेके आए थे, तो आज मंडे है। तो आज मैं आपको सीड क्लीनर मशीन दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि आपको सीड क्लीनर मशीन से दाना साफ़ किस तरह करते हैं और किस तरीके से आसानी से साफ़ हो जाता है। तो अभी काफ़ी सारे मैंने बोरे जमा करके रखे हुए थे, तो कॉलोनी से सारा कचरा जमा हुआ हुआ था, वो मैंने रखा हुआ था। अभी मैंने सीड क्लीनर मशीन इसलिए लेके आया हूँ, तो मैंने बोला था अभी काफ़ी दाना इसमें से साफ़ करना है, कचरा वचरा पहले हम ऐसे ही फेंक दिया करते थे, तो अभी हम मशीन इसलिए लेके आए हैं तो उससे सफाई करेंगे। तो चले आए बगैर देखे हुए आपको मशीन की तरफ लेके चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसी मशीन है और किस तरीके से साफ़ करते हैं। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पर नए तो और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को अभी अभी एक लाइक कर दिएगा। तो चलें आपको मशीन दिखा दें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये रही मशीन हमारी सीड क्लीनर मशीन। ये कल ही हम लालू खेत मार्केट से लेके आए हैं, तो मैंने संडे की वीडियो आपको दिखाई थी, उसमें भी मैंने आपको दिखाई थी ना ये वीडियो, तो मैंने उन्हीं से ली है। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगा, अभी आप इसी क्लिप में मैं डाल दूँगा, तो आप उनसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो यह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा साफ़ कर रही है, कंगनी अलग कर रही है, कचरा अलग कर रही है, तभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी देखें, ये मैंने दो बोरे भर के रखे हैं, ये कॉलोनी से काफ़ी कचरा और इसमें कंगनी मिक्स है, तो इसको अभी प्रोसेस करेंगे पूरा, आपको दिखाएंगे कितना कचरा निकला और कितनी कंगनी निकली। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका हल्का तेज़ करने का डीमर लगा हुआ है। यहाँ से देखें अभी मैं, ये आवाज़ आई और ये देखें पंखा ऑन हो जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये पंखा ऑन हो गया। अभी मैं इसके आगे करूँगा तो ये और तेज़ हो जाएगा और पीछे करूँगा तो हल्का हो जाएगा। अभी इसे बंद कर देता हूँ। तो दाने के हिसाब से आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा दाना होगा, भारी होगा तो आपको तेज़ करना पड़ जाएगा, हल्का होगा तो आप हल्का ही करेंगे, आराम से साफ़ हो जाएगा। तो ये इसका चार्जर है। तो अभी हमने थोड़ा देखें, साफ़ करके भी देखा है, तो यहाँ पर कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये हमने दाना साफ़ करा है, ये देखें इसमें दाना है और थोड़ी बेटे बेटे भी हैं, और यहाँ पे कचरा था वो हमने सारा साफ़ करके थैली में डाल दिया। तो अभी आपका दोबारा प्रोसेस करके दिखाएंगे, ये हम चेक कर रहे थे, और ये देखें यहाँ से हम डालेंगे तो यहाँ से पूरा प्रोसेस होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से हवा लगेगी और यहाँ पे आएगा कचरा और यहाँ पे आएगा दाना। तो ये देखें, ये काफ़ी सारा भरा हुआ है बोरा वोरा, ये देखें आप, ये बोरा पूरा भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। तो अभी इसको सफाई करते हैं और आपको दिखाते हैं, चले आए। तो चलें व्यूअर्स, अभी आपको इनको साफ़ करके दिखाते हैं। तो थोड़ा पहले भी मैं पंखा ऑन कर लेता हूँ, अभी इसे ऑन होता है फिर ये, अभी मैं इसको थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये दाना कचरा ज़्यादा है, इसमें दाना थोड़ा कम है, तो इसका मीडियम कर लेते हैं। तो ये अभी ये देखें मैं डालता हूँ ऊपर से, तो आप देखें, ये देखें आप, दाना अलग जा रहा है और कंगनी अलग जा रही है, आप देख सकते हैं, ये देखें मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें प्रोसेस देख रहे हैं आप ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखें ये दाना गिर रहा है बॉक्स के अंदर और वहाँ पे कचरा जा रहा है, ये देखें। तो ये देखें व्यूअर्स, अभी आपको मैंने दिखा रहा हूँ ना, ये देखें ये सारा कचरा इधर जा रहा है और ये कंगनी इधर आ रही है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो रहा है, कचरा आराम से उड़ जाता है वो देखें, क्योंकि हवा का प्रेशर हमने इतना रखा हुआ है कि कचरा उड़े सिर्फ कंगनी नहीं उड़े, कंगनी नीचे गिर जाती है और बीट का भी वजन होता है तो वो भी इधर गिर जाती है दाने वाली साइड पे और कचरा उधर चले जाता है। तो बीट वीट का भी हम साफ़ करने का तरीका बताएंगे, बिल्कुल फ्रेश दाना हो जाएगा, तो बीट का भी आपको साफ़ करने का वो एक और हमने स्पेशल तरीका रखा है, तो वो भी आपको साफ़ करके दिखाएंगे, बिल्कुल क्लीन दाना हो जाएगा एकदम। तो ये देखें मैं आपको और करीब करके दिखाता हूँ, ये देखें कैसा प्रोसेस चल रहा है, ये देखें यहाँ पर कचरा जा रहा है और यहाँ पर कचरा, यहाँ पे दाना, ये प्रोसेस चल रहा है। तो चलें अभी हम इसको पूरा करते हैं, फिर मैं आपको ना बॉक्स में दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है दाने और कचरे में, सही है? तो वीडियो में जुड़े रहिएगा तभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ते डालना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं डालिएगा तो वरना सारा
कचरा भी इधर चले जाएगा, तो आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे और आहिस्ते आहिस्ते प्रोसेस होगा। सही है, तो अभी ये देखिए हमने पूरा डाल दिया है। अभी आपको मैं दाना और कंगनी दिखाता हूँ कि कितना दाना निकला और कितनी कंगनी निकली है। पहले हम फ़ैन ऑफ कर लेते हैं। सही है, तो चले आए पहले आपको दाना दिखाते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स कितना सारा काफ़ी दाना निकल गया। ये देखें आप देख सकते हैं ये सारा दाना ही दाना है और इसमें बीटे देख रहे हैं आप, बीटे हैं। तो अभी आपको बीटे अलग करने का तरीका भी दिखाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी दाना निकल चुका है। ये इतना दाना, ये देखें इतना दाना हम पहले फेंक दिया करते थे, तो ये बाद में पता चला मुझे कि ये मशीन भी होती है, तो मशीन भी लेके आएंगे। मशीन ले आए हैं और ये देखें आप माशाल्लाह से बिल्कुल दाना बचा है। कितना दाना बचा है, अभी ये थोड़ा सा हमने करा है, बाकी ये पूरे दो बोरे पड़े हुए हैं, तो इसे भी हम करेंगे। और आपको मैं अब ये दाना निकला है, अब आपको कचरा दिखा दें। चले ये देखें, ये बिल्कुल कचरा है, देखें इसका वज़न ही नहीं है, हवा से यूँ उड़ रहा है। ये देखें आप देख सकते हैं पूरा छिलके, कुछ भी नहीं है इसमें, सब छीले हुए। तो ये बिल्कुल ईजिली आराम से साफ़ कर रहा है, इसका वज़न ही नहीं है, वो दाना था उसका वज़न था। तो ये देखें अब ये बिल्कुल फेंकने लायक हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको आराम से आप फेंक दें कचरे में। तो चलें अभी अब मैं पूरा का पूरा बोरा साफ़ करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें से बीटे किस तरह अलग करते हैं और बिल्कुल आप फ्रेश दाना किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो चलें अभी तक इतना ही था, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करता हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। तो अभी आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलें हम पूरा प्रोसेस करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स अभी हम आपको छान के भी दिखाते हैं इसका। ये मैं एक ले आया हूँ, ये चावल छानने वाली होती है ना, जो पानी निकालने वाला, और ये लिए तसला है। अब ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है, बेट साफ़ करने का एक तरीका। ये देखें अब ये देखें इसको यूँ यूँ हिलाएं हल्का हल्का, और आप नीचे देखें ऊपर करें, ये देखें कैसे कंगनी निकल ली, बिल्कुल फ्रेश कंगनी निकल ली एकदम, आप देख सकते हैं कोई मसला नहीं है, बस आप थोड़ी मेहनत करें तो रिज़ल्ट देखें कैसा मिलता है, आप खुश हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम न्यू कंगनी जैसी लगेगी, जैसे हम कंगनी लाते हैं एकदम। थोड़ी देर बाद इसको यूँ यूँ हिलाएं और आप देखें बस। अभी मैं इसको देखें थोड़ा पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर हाथ भी लगा लें, थोड़ा सा यूँ यूँ करेंगे आहिस्ते आहिस्ते, तो ये आहिस्ते आहिस्ते सारी कंगनी निकल जाएगी। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि थोड़ी सी देर में कितनी सारी कंगनी निकल गई। ये देखें एकदम क्लियर कंगनी है, कोई कचरा अचरा नहीं है, ना बीट है, बीट बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसको बोलते हैं फ्रेश दाना जैसे बाहर मिलता है। तो ये मेहनत करें तो आप कोई मुश्किल नहीं है, आराम से इजीली हो जाता है। तो इसी तरीके से अभी मैं सारी साफ़ करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सारा साफ़ कर लिया। ये देखें ये बीट वाला था, इसको अब बीट साफ़ करनी है, बिल्कुल क्लियर दाना हो जाएगा। फिर जब सारा साफ़ हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना दाना हमारे पास निकला और कितना कचरा निकला, वरना हम लोग कचरे के साथ इतना सारा दाना फेंक भी देते थे। अब देखें इतना दाना हम लोग फेंक देते थे, कितना गुनाह मिलता होगा। तो ये दाना हम परिंदों को ही खिला दें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस मेहनत करें तो सब कुछ सिला मिलता है। तो आप लोग भी इसी तरह करा करें। ये देखें मैंने बिल्कुल सही तरीका बताया आपको, बस ये एक मशीन ले लें, इसकी मैं एक क्लिप लगा दूँगा, जो बंदा बेचता है उसका नंबर लोकेशन सब है, तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं, रابطہ कर सकते हैं, ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं अगर बड़ी बनवाना चाहें तो। तो ये बनवा के आप लोग भी इस्तेमाल करें, सही है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।